मिकी आर्थर ऑनलाइन कोचिंग। देखें, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने एक बार फिर मधु किया कि ये बेसिकली कोरोना की आपने जो बात की ना, उस जमाने में वर्क फ्रॉम होम की इतला आई थी। yes. तो मैंने उसी को सामने रखते हुए आज खबर ये दी कि मिकी आर्थर जो है वो वर्क फ्रॉम इंग्लैंड करेंगे। तो ये वाकई आपने कहा कि हाईली अनलाइकली है, लेकिन हाईली अनफॉर्चुनेट। क्या पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो मिकी आर्थर के गिर भी घूम रही है? दुनिया में कोई ऐसा कोच नहीं है जो पाकिस्तान टीम के लिए कोचिंग करे। तो देखे, है तो बहरहाल एक नया तजर्बा, आपने अनोखी बात की। मुझे तो लग रहा है कि शायद वो कोचिंग में अनोखे लाडले बन गए कि हम बार बार मिकी आर्थर की तरफ ही देखते हैं। अगर मिकी आर्थर देखे, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्विसेज हैं, उनको कोई ना नहीं सकता। मिकी आर्थर आएंगे, पाकिस्तान टीम को फायदा होगा, लेकिन वो अपनी शराइत पे आना चाहते हैं। वो जो एक डर्बीशायर काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे थे, जो अपने नजम सेठी साहब की चंद दिन पहले लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि हमारे 90% उनके मामला तय हो गए। परसों रात को सेठी साहब एक तकरीब में मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि अगले एक से डेढ़ हफ्ते में हम सारे मामला जब फाइनलाइज हो जाएंगे उसके बाद अनाउंस करेंगे। तो जो मैंने फिर उसके बाद चेक किया, यही पता चल रहा है कि जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है आईसीसी का, वो पीसीबी ने मिकी आर्थर के सामने रख दिया है। मिकी आर्थर उसमें से मुख्तलिफ सीरीज और मुख्तलिफ टूर्नामेंट जो है वो मार्क करके पीसीबी को बताएंगे कि यहाँ वो अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। मिकी आर्थर का जो असिस्टेंट होगा उनकी गैर मौजूदगी में, वो भी कोई गैर मुल्की होगा, वो सारे मामला चलाएगा। वर्चुअल कोच की हैसियत से मिकी आर्थर इंग्लैंड में जब डर्बी शायर के लिए मसरूफ होंगे, उस कोच को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को और दीगर जो कोचिंग स्टाफ है उसको वक्तन पर वक्तन हिदायत देते रहेंगे कि आपने क्या करना है। और दो पाकिस्तानी कोचेज जो हैं वो भी सुना है कि मिकी आर्थर और उनके असिस्टेंट के साथ लगाए जा रहे हैं ताकि वो इनके साथ रहकर ग्रूम हो। लेकिन मुझे जो अब एक इसमें सबसे ज्यादा तशवीश की बात नजर आ रही है, जब पिछली बार मिकी आर्थर आए थे, पीसीबी ने पूरा प्रोसेस रन किया था। उस प्रोसेस में कोच कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने इंटरव्यूज किए, लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जो शॉर्टलिस्टेड कोचेस थे उनको इंटरव्यू करके फिर मिकी आर्थर का अपॉइंटमेंट किया। फिर जब मिकी आर्थर हटे, उस वक्त मिसबाह उल हक आए थे, उस वक्त भी जो कमेटी थी उसने यही प्रोसेस किया था। लेकिन इस बार जो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बगैर किसी प्रोसेस को रन किए ये पूरा मामला कर रहा है, तो अल्लाह करे कि मिकी आर्थर बाहर बैठ के भी पाकिस्तान के लिए इतने कारगर साबित हो जाए। लेकिन अप्रैल में अभी जो न्यूजीलैंड के 5 T20 और 5 वनडे है उसमें मिकी आर्थर नहीं है। जुलाई में जब हम 2 टेस्ट खेले, श्रीलंका जाएंगे वहां वो नहीं होंगे, एशिया कप में नहीं होंगे। मेरे ख्याल में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जब अक्टूबर में शुरू होगा, वहां से मिकी आर्थर हमें फिजिकली पाकिस्तान टीम के साथ एक्शन में नजर आएंगे एज ए हेड कोच।